इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर है। आप मेरे पीछे ये बड़ा सा होर्डिंग और पोस्टर देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। निश्चित तौर पर एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक चल रही है और दूसरी तरफ पटना में यह पोस्टर लगाया गया है जो पटना के हर चौक चौराहे पर लगाया गया, और उसमें यह मांग किया गया है कि अगर नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाता है इंडिया गठबंधन का तो जीत जो है वह सुनिश्चित हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी और उसके बाद यह माना जा रहा था कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को संयोजक का पद मिल सकता है, लेकिन आज तक यानी तीन बैठक खत्म होने के बाद भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। हालांकि लगातार जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के तरफ से यह मांग समय समय पर की जा रही है कि निश्चित कि नीतीश कुमार को संयोजक बनना चाहिए, बनाना चाहिए इंडिया गठबंधन को, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि जो है वह बेदाग है। और लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ इंडिया गठबंधन के तरफ से, ना ही नीतीश कुमार को सहयोजक बनाया गया और ना ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया। आज एक तरफ चौथी बैठक चल रही है, दूसरी तरफ जदयू के नेता और कार्यकर्ताओं के तरफ से यह मांग की जा रही है कि अगर 2024 में जीत चाहिए, अगर सुनिश्चित करनी है तो नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाना होगा। हालांकि ये जो बैनर और पोस्टर लगाया गया है पटना के हर चौक चौराहे पर, इसमें कोई नाम नहीं है, यानी किसने लगाया है इस चीज़ का मेंशन पोस्टर और बैनर में नहीं किया गया है। लेकिन यह मांग कई बार जदयू के नेता और कार्यकर्ताओं के तरफ से किया गया है। हालांकि आज निश्चित तौर पर यह जदयू के नेता और कार्यकर्ताओं के तरफ से इंडिया गठबंधन पर एक प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स भी है, राजनीति भी है, क्योंकि जदयू के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि अगर सच में 2024 में जीत चाहिए तो केवल एक ही चेहरा जीत दिला सकती है, उसका नाम है नीतीश कुमार। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।